बाबा साहेब की कहानी में दर्द है, लेकिन बुलंदियों पे नाम देखकर हर्ष होता है। और कामयाब तो बहुत लोग होते हैं, मगर महान वही बनता है जिसकी जिंदगी में संघर्ष होता है। तो बाबा साहेब जिन्होंने संघर्ष की बदौलत बुराइयों को, कठिनाइयों को हराया और एक नाम स्थापित किया, हमें युवाओं को शिक्षा लेनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए आज बाबा साहब के जन्म उत्सव पर कि जिन्होंने गुलामी के दौर पर किताबों को पढ़कर, कानून का अध्ययन कर भारतवर्ष में एक कानून व्यवस्था स्थापित की, संविधान के बेहतर नियमों का निर्माण किया। तो हम भी शिक्षित हों, शिक्षा की ओर रुझान बढ़ाएं, और कहते हैं शिक्षित हो जाएंगे तो कभी जागरूक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है कि अगर संविधान नहीं होता, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने शिक्षा का अधिकार नहीं लिखा होता, तो शायद मैं शिक्षित नहीं होता और आज मैं अपने गांव में यहां पर आपके सामने बात नहीं कर रहा होता और ये चमकते हुए सितारे नहीं होते मेरे कंधे पर, मैं फावड़ा लेकर किसी खेत में पानी लगा रहा होता। अगर संविधान नहीं होता तो मुझे ये मालूम है कि बारिश के दिनों में मैं जंगल में गड्ढे खोदने जाता और सोचता कि 2 रुपए कहीं से कमा लूं। अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब अंबेडकर जी ने समानता का अधिकार नहीं दिया होता, तो शायद मैं गर्मियों के दिनों में खेत में कटाई करके थ्रेसिंग करा रहा होता और शायद बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान, इतना खूबसूरत संविधान नहीं लिखा होता तो मैं गर्मियों के दिनों में तेंदू पत्ता संग्रहण के प्रयास में होता। तो मैं यही कहता हूं कि जिंदगी में इज्जत है, स्वैरत है, हल्की फुल्की दौलत है, जिंदगी में इज्जत है, स्वैरत है, हल्की फुल्की दौलत है, और जो कुछ भी है सब बाबा साहब अंबेडकर और संविधान की बदौलत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।